कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ये जो उल्टे पुल्टे मामलात हैं, ये बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात हैं, और इन तजुर्बात को करने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी की तपस्या लगानी पड़ती है, तब जाकर ये तजुर्बात समझ में आते हैं। जैसे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तजुर्बात ऐसे ही उल्टे पुल्टे से होते हैं। जैसे अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, तो ये आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं, तो फिर ये आपकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। बात सही है ना? अगर मुझे कहने दें तो मैं बात ये भी कहना चाहता हूं कि क्या अजीब जमाना आ गया है। आज के दौर में अगर मोबाइल खराब हो जाए तो लोग कहते हैं बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और आज जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए, है या नहीं? अच्छा, ये भी साहब कमाल देखिए आप, कोई इंसान कितना ही खूबसूरत हो लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। बात सच्ची है? इतनी ही सच्ची ये बात है कि कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो लेकिन इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ऐसे ही उल्टे पुल्टे तजुर्बात होते हैं, तो आइए कुछ ऐसी ही उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, उल्टे पुल्टे तजुर्बात को समझते हैं, हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालते हैं। हंसने और मुस्कुराने के मौके वैसे भी हमें कम मिलते हैं, आज मिल गया है तो आइए खुल के हंसा जाए। बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरे दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करते हैं और मुलाकात करते हैं पूरे देश में अपने कविताओं के माध्यम से मुस्कुराहटें बांटने वाले स्माइल मैन ऑफ इंडिया भाई सर्वेश अस्थाना को मैं माइक पर बुला रहा हूं कि वो आए और अपने कविताओं के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचे और जितनी देर चाहे आपके दिलों पर हुकूमत करें। मैं कौन होता हूं बीच में रोकने वाला, आप सर्वेश अस्थाना साहब के हवाले, सर्वेश अस्थाना आपके हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। जोरदार तालियां बजाइए सर्वेश अस्थाना जी आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था कि मेरी सारी कविताएं भी यही सुना देंगे। एक बार ज़रा हमारे नदीम भाई के लिए भी ताली बजाइए। इतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत मनरेगा का मजदूर भी नहीं करता। बहुत बधाई मैं आदरणीय कमल जी को देना चाहता हूँ। और मैं घबरा बहुत रहा हूँ, और मैं भगवान कसम घबरा रहा हूँ, झूठ आज तक नहीं बोला है और आज भी नहीं बोलेंगे। पहली बार मैं उन लोगों के बीच में कविता पढ़ने आया हूँ जो हमेशा लाठी चार्ज करते हैं, है? बात सही है, है ना? तो इस महफिल को थोड़ा कहकहों से लार्ज कीजिए। अरे लाठी चार्ज करने वालों, थोड़ा तालियों से चार्ज कीजिए, है ना? वाह वाह वाह, मैं वास्तव में बहुत घबरा रहा हूँ आज। एक तो कोरोना के बाद बहुत दिन बाद मुझे माइक पे आने का मौका मिला है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक सवेरे परेड नहीं शुरू हो जाएगी तब तक यहीं खड़ा रहूँगा। ये भी सही है, है? एक बार खुल के ताली बजाओ सब जने, खुल के ताली बजाइए, खुल के ताली बजाइए। आज बड़ी घबराहट हो रही है, आज बड़ी घबराहट हो रही। एक तो कमल बाबू बहुत बड़े शायर हैं, ये जब कभी सम्मेलन मुशायरा करते हैं तो आधी दहशत अंदर यूं ही आ जाती है, और फिर जब सामने घर के लोग भी बैठे हों तो मेरी घबराहट 10 गुने ज़्यादा हो जाती है। ये तो अच्छा है कि डीजी पुलिस को नहीं आपने बुला लिया,
नहीं तो मैं यहीं पर वो वाली रात हो जाती जिसमें फूल ऊपर चढ़ते हैं। मैं आज बहुत घबरा रहा हूँ, थोड़ा माहौल आपसे मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिन से आप लोगों से जुड़ा नहीं हूँ, बड़ी घबराहट हो रही है। वसीम बरेलवी साहब जो दुनिया के सबसे बड़े शायर हैं वो यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना किनारे बैठे हुए हैं, और हम सबके बहुत प्रिय सारे, चाहे इकबाल अशर साहब हों, चाहे हमारे जौहर भाई हों, शबीना जी हों, सब लोग, मैं धीरे धीरे सबके नाम लेता जाऊँगा। मैं भी नदीम फर्रुख जी को देखता हूँ तो वो मुझे यूँ देख रहे हैं कि आगे क्या बोलेगा, मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलूँगा। कवि और शायर वही होता है जिसको ये ना पता वो क्या बोलने जा रहा है, वही असली शायर होता है। मैं बड़ी घबराहट महसूस कर रहा हूँ कमल भाई, बिल्कुल भगवान कसम झूठ हाथ तक नहीं बोला है, आज भी नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा सुनिए तो, सुनो तो, झूठ आज भी नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, देखिए हमको देख के सीटी प्लीज ना बजाएं। नहीं, ये असल में सीटी नहीं बजा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप क्या घबरा रहे हैं, हमें देख के तो पता नहीं कितने लोग घबराएंगे, अभी जरा वर्दी पहन के निकलने दीजिए उसके बाद घबराएंगे लोग। इन्होंने अपने मन की बात कही है। हम आपको देख के बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, जोरदार ताली बजा। है ना, बड़ी घबराहट हो रही। नदीम फर्रुख साहब संचालन कर रहे हैं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, और भगवान कसम झूठ नहीं बोलता हूँ, आज भी नहीं बोलूँगा। सामने जब नेता लोग बैठे हों तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है। और ये नहीं कहूँगा कि मंच पे पुलिस भी बैठी है, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। खुलो यार, थोड़ा खुलो, ऐसे क्यों, हाँ बस ऐसे थोड़ी होता है। हमको स्माइल मैन कह रहे हैं और आप लोग हम पर मिसाइल चला रहे हो, ये थोड़ी होता है। आज दिन भर से मैं उसमें होटल माया पैलेस में रुका हूँ, उसका दरवाजा ही ढूंढे नहीं मिल रहा था हमको, कहाँ है। एक उसमें रेस्टोरेंट में घुस गया, कह रहा ये दरवाजा नहीं, उधर गए तो जनरेटर था, दरवाजा वो था जहाँ दरवाजा ही नहीं था। और यही आज यहाँ भी हुआ, कमल जी ने कहा हमारे घर आ जाइएगा, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक नहीं, कभी नहीं झूठ बोला। तो इन्होंने बताया कि वो जब आप वहाँ से चलेंगे एटा से कासगंज रोड पर तो 2 किलोमीटर पर है। अब भाई साहब 6 किलोमीटर ख़त्म हो गए, पीएसी नहीं दिखी हमको, तो हमको लगा कि पीएसी चूंकि नहीं दिखी इसका मतलब है कि देश में अमन और चैन शांति और कायम हो चुकी है, इसलिए पीएसी नहीं दिख रही है। 6 किलोमीटर बाद मुझे पीएसी दिखी, गेट नंबर 4 से हम घुसने लगे। वो भाई साहब जो खड़े थे उन्होंने हमको रोक दिया, हो सकता बैठे सुन रहे हो, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, उन्होंने रोक दिया। हमने कहा हमको अंदर जाना है, बोले क्यों, हमने कहा कमल जी के घर जाना है, बोले क्यों, बिल्कुल सच्ची घटना, झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। बोले क्यों, हमने कहा उन्होंने मुशायरा कराया है। बोले क्यों, हमने कहा ये तो हमको भी नहीं पता क्यों कराया, लेकिन यहाँ आके पता चला कि आज़ादी के स्वर्ण महोत्सव पर ये हो रहा। हमने कहा उन्होंने मुशायरा कवि सम्मेलन कराया है, मुझे उनके घर जाना है, मैं कवि हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना, हमने कहा मैं कवि हूँ। बोला तुम कवि हो, देखने में तो आतंकवादी लगते हो, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो हमने उनसे पूछा जो गेट पे खड़े थे, हमने उनसे पूछा, अब फिर आप जुड़िएगा, व्यंग की बात भी करूँगा थोड़ी देर बाद, हंसाऊंगा भी। हमने पुलिस अफसर से पूछा, नवल भाई साहब सुनिएगा, हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं, हमने आप ना बताओ, मैं ही नहीं बताऊंगा। आप ना बताओ। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि ये मुशायरे के संचालक हैं। अच्छा शायर एक मिसरा पढ़ता है तो जो नाजिम होता है, जो संचालक होता है, उसको वो मिसरा दोहराना रहता है, तो यही रवायत होती है। तो अब हम तो हास्य व्यंग के आदमी, अगर ये हमारी बात दोहरा देंगे तो हम तो फूल चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। है ना, है कि नहीं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं, सरकारी परिभाषा आतंकवाद की, अगर आपको अच्छी लगे, सारे पढ़े लिखे लोग, अगर अच्छी लगे तो पहली लाइन से
और आखिरी लाइन तक इतनी अच्छी तालियां बजें कि ये उत्सव जो हमारे प्यारे छोटे भाई कमल जी ने कराया है वो बहुत बड़े उत्सव में तब्दील हो जाए। और शायद मेरी ज़िंदगी का ये पहला अवसर है कि जवानों के बीच में कविता की बात हो रही है। जो शक्ति के पुजारी हैं अगर वो साहित्य के भी सेवक बन जाते हैं तो देश को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं आपको सल्यूट करता हूँ और एक बार ज़ोरदार तालियों की अपील अपने देश के लिए करता हूँ, अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए करता हूँ। अब सुनिएगा सरकारी परिभाषाएं, क्या अच्छा संदेश दिया भाई। सरकारी परिभाषाएं, हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं, शर्त यह कि ताली मजबूत बजनी चाहिए। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। अच्छा, तैयार रहना, बहुत बढ़िया बात है। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी। अरे आतंकवादी। नवाब ताहिर फराज साहब यहाँ बैठे, उनकी माँ की कविता इतनी शानदार है कि हम अपने घर में रोज उसको एक बार सुनते हैं। बड़ी टीम इन्होंने बुलाई है, मुझे बड़ा फख्र हो रहा है आज इस टीम पे, इस टीम के साथ आने में, कि मुझ जैसा छोटा व्यक्ति इस मंच पर है और सारे बड़े शायर हैं। मैं अपनी स्थिति बड़ी अजीबोगरीब महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगल का बंदर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भगवान का समय से झूठ बोलते नहीं, आपको पता है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का बंदर हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए शेर राजा। तो जंगल वाले ऊब गए, जुड़े रहना, बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूँ। तो जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। ये हुआ, क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे नदीम भाई को संचालक बना दिया गया। नहीं, ये नहीं कह रहे, मतलब हम ऐसे कह गए हैं, लेकिन हम नहीं, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। हम कोई क्षत्रिय थोड़ी जो एक जबान पर टिके रहे हैं। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई और बोली, राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए हुए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पाँचवीं पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए वरना शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, भारत की राजनीति और पीएससी के नौजवानों की ज़ोरदार तालियां। उसने कहा जल्दी बचाइए नहीं तो बंदर शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला, देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है अजम साहब, कोई कमी हमारी भाग दौड़ में नहीं है। मैं आपसे धीरे धीरे देखिए जुड़ गया। अरे जुड़ना बहुत कठिन काम होता है। ये बड़े बड़े शायर बैठे हैं, वसीम चचा जो है अभी बहुत बड़ी शायरी पढ़ेंगे। हसन साहब ने अभी, खूबसूरत हैं आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, इनमें से कुछ भी संभव नहीं है। कोई सोचना छोड़ के दिखाए हमको, मैं उसको हसन काजमी अवार्ड दूंगा। ये भाई क्या पोस्टमार्टम? नहीं पोस्टमार्टम नहीं किया, मैं उनके सम्मान, वो मेरे दोस्त हैं, आप पोस्टमार्टम करके मुझे मरवाएंगे सवेरे, तब पुलिस वाले बचाने नहीं आएंगे कि आतंकवादी कौन है। ये एक्चुअली ये कह के याद दिलाना था कि हसन भाई जब मैं आपका नाम लूँ तो आप उठ के माला पहनाइएगा, और ये माला पहनाना भूल गए तो मुझे इतना कहना पड़ा। अब वो तो आएंगे नहीं क्योंकि उनका कुर्ता और सलवार एक कलर का था, वो हमको क्यों पहनाएंगे माला? तो कोई नीला वीला हो तो आ जाए भाई। हाँ, अच्छा मैं पहले यहाँ कमल भाई से मिल के गया, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कर रहा हूँ। मैं कविता तो सुनाने आया हूँ ना, मुझे आती है ना, मैं हिंदी का कवि हूँ ना मैं उर्दू का शायर हूँ। मैं हिंदी उर्दू की जो एकजहती है, जो मोहब्बतें हैं हिंदुस्तान की, मैं उनका सिर्फ प्रचारक हूँ। अरे वाह, ना मुझे कविता आती है ना मुझे शायरी आती है। अरे क्या कह रहे, मुझे आदरणीय वसीम चचा भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हमें डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी करते हैं। मैं तो ये मैं अपने आप को बहुत फख्र में महसूस करता हूँ। तो जब मैं यहाँ से कमल बाबू के यहाँ से मिठाई, चाय और क्या क्या खिलाया था आपने, वो याद नहीं, पुलिस वालों से खाओ तो कुछ बोलो मत।
तो हम बताएंगे नहीं हमने क्या क्या गाया था। तो हम वहाँ से, अब माया पैलेस होटल जाना हमको, हम सीधे यहीं चले आए थे। इन्होंने कहा दादा पहले घर आइएगा फिर आपको होटल छुड़वा देंगे। अच्छा हम घर आए लेकिन इन्होंने हमको होटल छुड़वाया नहीं, हमको खुद ही ड्राइवर के साथ जाना पड़ा, भले ड्राइवर इनका था। ये देखिए छोटी छोटी बातें होती जिनमें कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन वो मुस्कान देती हैं, तो उस पर मुस्काया करिए क्योंकि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बस मुस्कुराते रहो, बस स्माइल मैन, भगवान स्माइल मैन। तो हमको माया पैलेस जाना भैया, अब वहाँ से बाएँ मुड़े 6 किलोमीटर बाद, उतना ही था खैर दूरी घटी नहीं थी। तो मैं वहाँ पहुँचा, अब हमें पता नहीं इतनी ट्रैफिक जाम की पूछो नहीं, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। तो हमारा कुछ फ़ोन भी गड़बड़ हो गया, तो हमने कमल भाई को फ़ोन किया, हमने कहा माया पैलेस है कहाँ, तो इन्होंने कुछ बताया मेरी समझ में नहीं आया, फ़ोन मेरा गड़बड़ था। फिर थोड़ी देर फिर आगे बढ़े तब समझ में ना आया माया पैलेस है कहाँ, तो हमने फिर इनको फ़ोन किया, फिर इनका फ़ोन लगा नहीं। तो मैंने इनके बड़े भैया नवल भाई साहब को फ़ोन किया, हमने कहा भाई साहब माया पैलेस आपको पता हो तो बता दीजिए। वो दिल्ली से आए हैं, उनको भी नहीं पता था। वो बोले सर्वेश जी ऐसा करो किसी ज़िम्मेदार आदमी से पूछ लो। अब मैं एटा में ज़िम्मेदार आदमी ढूंढने लगा, हमको आदमी बहुत दिख रहे थे भाई साहब और ज़िम्मेदार आदमी कोई नहीं दिख रहा था। तो एक पुलिस के भाई खड़े थे, हमने उनको देखा, हमको लगा इनसे ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे हत्या हो चाहे चोरी हो चाहे लूटपाट हो सारी जिम्मेदारी पुलिस पे ही रहती है। मतलब ये नहीं कि वो लोग करते हैं, वो लोग करते नहीं हैं, जो लोग करते हैं ये उनके साथ करते हैं। वाह, इस पर देखिए बातों के अर्थ को ऊँचाइयाँ तक ले जाइए और खूब तालियाँ बजाइए। तो खैर हमने गाड़ी रोकी और पुलिस के भाई जो खड़े थे हमने कहा भाई साहब ये माया होटल कहाँ है। बोले क्यों, हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों, अच्छा ये तो जाना है वहाँ पर। अब उनसे बात हो रही है क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो उन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो, पुलिस के भाई थे, उन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो। अब मैं सोचने लगा कि पुलिस का भाई कह रहा है किसी आदमी से पूछ लो, क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या। अब थोड़ा मुस्कान चाहिए पीएसी की, पीएसी की मुस्कान, लठैत मुस्कान चाहिए मस्ती वाली। हमने कहा क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या। फिर हम खैर चले आए, फिर मैं कमरे में होटल के बैठ गया और सोचने लगा कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन उस पुलिस के भाई ने ये क्यों कहा कि किसी आदमी से पूछ लो, पुलिस स्त्रीलिंग होती है क्या। फिर मैं सोचने लगा और मैं अपनी रिसर्च रखता हूँ, आप लोग मस्ती लीजिए और थोड़ी सी तालियाँ बजा दीजिए जिससे रिसर्च ठीक से निकल सके। ये बस मैं तो ये सब कह के आपकी सहानुभूति ले रहा हूँ। ये जैसे कह रहे आराम से पढ़िए, संचालक की तरफ ऐसे ऐसे कर दो तो फिर वो कहता हाँ हाँ पढ़िए हाँ पढ़िए। अच्छा कुछ कवि और शायर ऐसे होते हैं जो कहते हैं अगर इजाज़त हो तो एक और सुनाना चाहता हूँ। मैं संचालन कर रहा था, मैंने कह दिया नहीं है इजाज़त। तो ये तो कभी पूछने नहीं चाहिए कि इजाज़त चाहिए कि नहीं, अपना सुनाते रहो जब मन हो बैठ जाओ, नहीं तो कहीं उन संचालक ने कह दिया अच्छा रहने दीजिए तो कितनी पुलिस आ गई। लगता पुलिस आ गई। हम तो डर गए भैया, इसी से डर गए। तो खैर मैं कमरे में बैठ के सोचने लगा कि उस पुलिस के भाई ने क्यों कहा किसी आदमी से सोच लो। तो मैंने रिसर्च की, पुलिस स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग को उर्दू में मुअन्नस कहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे लोग समझें कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, आती मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं है लेकिन मैं उर्दू ऐसी गजब की बोलता हूँ कि लोग मुझे मौलाना इकबाल समझने लगते हैं कभी कभी। एक बार तो एक ने मुझे गालिब समझ लिया था। अच्छा। हाँ तो तो मैं सोचने लगा अब पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती, मेरी रिसर्च। ध्यान रखना पुलिस वाले के सब लोग आप जानते हो, ये मैं यूपीपी की बात कर रहा हूँ, पीएसी की नहीं कर रहा हूँ। क्या यूपीपी के ही है? नहीं है, इनके पीएसी लिखा रहता है। अरे आप यूपीपी हो? अरे सुनो 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 सुनो, हम कोई ठाकुर नहीं है जो अपनी बात वापस ना ले सकें, हम अपनी बात वापस लेते हैं। मैं एमपीपी की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ। आप सही है, अब ठीक है, आप सही तो अब आप ताली बजाइए। ठीक है, हाँ मध्य प्रदेश पुलिस की। अब मैंने पुलिस स्त्रीलिंग कैसे होती, आप पुलिस का चित्र अपने सामने रखे हो मस्ती लीजिए। पुलिस जो टोपी लगाती है,
टोपी स्त्रीलिंग, पुलिस जो वर्दी पहनती है वर्दी स्त्रीलिंग, पुलिस जो बेल्ट बांधती है बेल्ट स्त्रीलिंग, सीटी स्त्रीलिंग, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग, जीप स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, हथकड़ी स्त्रीलिंग, हवालात स्त्रीलिंग, जीडी स्त्रीलिंग, है ना, कचहरी स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग और कोठरी स्त्रीलिंग। अभी नहीं, अभी तालियां और आगे बढ़ाना। और जमानत स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग, इसलिए पुलिस स्त्रीलिंग होती है। तो मैंने जब होटल से फ़ोन किया कमल जी को, हमने कहा कमल जी ये मेरी रिसर्च चाहिए, तो कमल बोला दादा डंडा, डंडा तो पुल्लिंग होता है। मैं समझ गया कि मेरी जान खतरे में है, तो मैंने तुरंत कहा कमल जी पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। तो ये बोले थाना, ये भी कम नहीं थे, बोले थाना। हमने कहा जिसके एक तरफ चौकी, जिसके एक तरफ, जब मस्ती लीजिएगा मैं तो स्माइल मैन हूँ, तो जिसके एक तरफ चौकी और एक तरफ कोतवाली, क्या कर लेगा थाना बताओ। क्या कर लेगा थाना। तो लेकिन फिर मैं सोचता रहा, मैंने कहा अगर यही खाली इतनी रिसर्च की तो मैं पीएससी बटालियन 43 से वापस नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने रिसर्च आगे बढ़ाई, मुझे लगा कि पुलिस पुल्लिंग भी होती है। तो कमल जी को फ़ोन किया, हमने कहा कमल भाई पुलिस पुल्लिंग भी होती है। तो बोले कैसे, हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। तो शेर सुनिएगा, मैं बस यही पहला ही शेर है जो कुछ है, लेकिन पुलिस को छूट है, आप चला सकते हैं। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, क्या कहना, वाह। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर। जलाले शम्मा से, भाई वाह वाह वाह, देखिए, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अब मेरी औकात तुम्हारी, ये हसन भाई ये आपको समर्पित करता हूँ। मैं बहुत पुराने दोस्त हैं इसलिए हम छेड़खानी कर लेते हैं, बड़े शायर हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। जलाले शम्मा से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आँखों में, वाह करो वाह, हाँ, तुम्हारी कमल जी, तुम्हारी झील सी आँखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहे हैं, जिन आंखों में हम न दिखें वो अगला मिसरा देखे क्या करते हैं हम लोग उसका। तुम्हारी झील सी आंखों में, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी झील सी आंखें हसन भाई की ना। अच्छा हसन भाई से कह रहे हैं, तुम्हारी झील से, हमारे वसीम चचा कह रहे हैं कि ये तो मुन्ना लाल कहाँ से लाए। अरे चचा इस सड़क कहीं भी निकल जाइए से मुन्ना ही लाल घूम रहे हैं। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारी थोड़ा वाह करना, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। इन सबका प्रमोशन करके इंस्पेक्टर बना दो। तुम्हारी ये तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है, कहानी बनाते हैं जैसे। तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। जितने यूथ बैठे हैं, सारे युवा बैठे हैं, इनको समर्पित करता हूँ कि इजहारे इश्क के दौरान। हाँ बहुत बहुत अच्छा शेर है, इससे अच्छा शेर किसी ने कहा नहीं आज तक। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, अच्छा पिताजी आ जाएं। देखो मैं सीख भी देता हूँ, मैं शिक्षा भी अच्छी देता हूँ। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और एक शेर और देखिएगा, शेर नहीं मतलब एक तुकबंदी और देखिएगा जी, कि अगर मालूम हो हाँ बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी। अच्छा प्रतिद्वंदी मतलब उर्दू में रकीब कहते हैं। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, अगर अच्छी बात हो तो सारा यूथ फिर से मस्ती करे। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी,
वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। और ये मैं आखिरी शेर सुना रहा हूँ, ये शेर इस संसार का सबसे अच्छा शेर है जी। न तो फिराक साहब कह पाए इतना अच्छा शेर, अच्छा न गालिब साहब कह पाए, मीर साहब तो सोच भी नहीं सकते थे, और हमारे चचा वसीम साहब सदारत फरमा रहे हैं ये लाख कोशिश कर लें ये शेर नहीं लिख पाएंगे इस तरह। अच्छा हाँ बिल्कुल गारंटी है। और चचा अगर ये बात सही निकले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं वहीं आके पैर छूंगा कि का चैलेंज हो गई तो। हाँ हाँ देखिएगा हाँ, वही निकलेगा अभी देखिएगा हाँ, हाँ। तो मैं झूठ कभी बोलता नहीं झूठ कभी बोलता नहीं है ना, इजहारे इश्क के दौरान आ जाए अगर बापू वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और आखिरी शेर है, शर्मा भी तेरा आशिक। अच्छा अब बताइए क्या फिराक साहब कभी अपनी शायरी में शर्मा शब्द लाए? नहीं लाए ना। कभी मीर साहब लाए तो उनसे अलग हटके हुआ नहीं, ये लोग नहीं लिख पाए ना ये शेर, तो हमारे लिए ताली बजाओ फिर इसी बात पे। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। है देखे है चाचा, अच्छा बड़ों के पैर छूलो तो गुनाह माफ हो जाते हैं। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, संसार का सबसे अच्छा शेर। और खूब जोरदार ताली बजाइए, जौहर साहब आप भी बजा दीजिएगा, है ना। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआस्थाना बेहतर है। बढ़िया शेर। अरे वाह, मैं इसी के साथ बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूँ। एक रचना और सुना दीजिए पूरे, अब तो जरा अच्छा अगर चाहते हो तो ताली बजाइए। अब तो जरा मूड में आए आप। हाँ ये तो है जी। दादा विष्णु सक्सेना जी, विष्णु सक्सेना। लेकिन लेकिन हसन भाई को समर्पित नहीं होगी वो। आपको हसन साहब से क्या दुश्मनी है? हसन साहब को ही समर्पित करता हूँ। ये घटना जो है सच्ची घटना पर है और हसन भाई इस घटना के गवाह हैं। चलिए नहीं समर्पित की आपकी भी बात रख ली, है ना। ये बात 15-16 साल पुरानी है। मैं क्लीन शेव रहता था, हैंडसम तो मैं आज भी हूँ। नहीं नहीं भगवान का समूह, झूठ थोड़ी है, झूठ बोलते नहीं, ये चाहिए इन लोगों को। तो लेकिन तब मैं क्लीन शेव रहता था तो ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। अच्छा ये ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। क्या था, हम लोग 10 भाई बहन हैं, ये भी सच है। 10 भाई बहन है, हमारे पिताजी की बड़ी प्रॉब्लम, 9 भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, मेरी शादी न हो। मैं क्लीन शेव रहता था, पिताजी बड़े परेशान। अच्छा कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर नहीं आता था, बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना है। और अच्छा मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता, माँ बाप जहाँ बांधते वहीं बंधना था, कोई ससुर आता ही नहीं था। एक आया बड़ी मुश्किल से, तो उसने हमको देखा, बिल्कुल सच्ची घटना, एक आया हमको देखा और जाने लगा। पिताजी ने कहा क्यों जा रहे हैं भाई साहब? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिया इसे फूली फूली सी, और फुलवाई भी उससे जो वहाँ से किससे फूली फूली दाढ़ी लगे। दूसरा आया वो भी जाने लगा। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा है। अरे बाप। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में हमने मुशायरा कराया, वसीम चचा आए हुए थे, कमल जी आए हुए थे और विष्णु सक्सेना जी, और यही टीम आई हुई थी ऑलमोस्ट। जहाँ अच्छा कार्यक्रम कराना होता हम यही टीम बुलाते हैं, दुनिया में कहीं भी कराना यही टीम होती है। एक बार ताली बजाइए हमारी अच्छी टीम के लिए। तो दोपहर के खाने पर आदरणीय वसीम चचा, कमल और विष्णु सक्सेना जी, ये तीन लोग मेरे घर आए। बाकी लोग शाम को देर से आए थे तो दोपहर का खाना नहीं पा पाए मेरे घर का। तो ये लोग नहीं, सही बात है, झूठ थोड़ी है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, पिताजी मेरे मुंह लटकाए बैठे हुए। तो वसीम सर ने पूछा भाई साहब क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो पिताजी बोले, बिल्कुल सच्ची घटना, पिताजी बोले वसीम साहब किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते,
अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जब कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो कमल चूंकि छोटे हैं तो ये कुछ नहीं बोले। विष्णु जी बोले, चाचा जी ऐसा करो फिर कि सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता है पार्टी फंस जाए कोई। बिल्कुल सच्ची घटना। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, अब वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम कमल बाबू तो आप तो गवाह हैं इस बात के, और हसन भाई भी गवाह हैं, हमारी शादी में गए थे, बल्कि लड़की वालों की तरफ से थे। नहीं नहीं नहीं, सच्ची बात है, हम अभी बताएंगे क्यों थे। तो जो है फिर 82 साल छप गए, अब हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और चूँकि अटल जी के शहर लखनऊ से हैं, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए, सच्ची भगवान का समय रखें, प्रपोजल्स रखे हैं हमारे, आप लोग देख सकते हैं। तो प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से कविता बनी थी। फिर अंत में मेरी जहाँ शादी तय हुई, अगर पहले पता चल जाता तो ये भी नहीं होती जो हुई हमारी। मुझे देखने के लिए हमारे बड़े बड़े साले साहब आए, पम्मू नाम है उनका, पम्मू भैया, वो नहीं पम्मू भैया आए, देख के गए। पिताजी हमारे प्रोफेसर केमिस्ट्री के, बहुत सीधे साधे। तो गए, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ कि भोलापन किस तरह की टिप्पणियाँ करता है, कितना आनंद आता है। हास्य व्यंग का कवि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, फिर उन्हीं को अपने शब्दों में आपके सामने रखता है। कुछ नया कोई नहीं लिखता, चाहे शायर हो चाहे कवि हो, सब वही ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वही रखे जाते हैं। तो ये जो आए पम्मू भैया देख के गए, और ससुर साहब से कह रहे हैं, पापा लड़का तो ठीक है, अच्छी नौकरी भी करता है, लेकिन कवि है। तो हमारे ससुर साहब ने बड़े भोलेपन से कहा, कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है कि एक आध कमी तो सब में होती है। तो खैर, फिर वैवाहिक विज्ञापन छपा, मेरे लिए प्रपोजल्स आए, यहीं से कविता तैयार हुई थी। एक बार ताली बजाई, मैं अपने जीवन की वो कविता सुनाने जा रहा हूँ जिस कविता पर वसीम साहब का भी आशीर्वाद मिला, जौहर साहब का भी मिला, इकबाल भाई का भी मिला, और सारे मंच का आशीर्वाद मिला। बहुत अच्छी कविता मेरे जीवन की। स्वागत भाई, स्वागत। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। हाँ, थोड़ा मुखर रहना पड़ेगा। मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा, शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। 15 साल पुरानी बात, अब तो मैं बहुत तंदुरुस्त हो गया हूँ। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहा जाता है। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे। आपकी मस्ती शुरू होती। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था, माल कितना पुराना है। जो टेंडर होता है उसमें, हाँ थोड़ा तालियों को बढ़ाना तो उससे आनंद आएगा आपको। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था, माल कितना पुराना है। दूसरे में था, क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एज इट इज वेयर इट इज, एज इट इज वेयर इट इज। एक में था, माल कितना पुराना है। दूसरे में था, क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था, मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथे पर यूथ ताली बजाए, ये यूथ की पंक्तियां हैं। तीसरा पूछ रहा था, मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथा जानना चाह रहा था, क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है।
इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की, अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन हैं आप? अब जुड़ना, अब बहुत अच्छे से जुड़ना। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, हुजूर कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। मंच पर शबीना जी उस बेटी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सामने हमारे परिवार की चार बेटियां बैठी हैं। हुजूर आपने सूचना निकाली है कि आपका बेटा किराए के लिए खाली है। हुजूर आपने सूचना निकाली है कि आपका बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। वादा करता हूं कि साल दो साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल दो साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। फहमी साहब बहुत बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका भी आशीष चाहता हूँ। भले साल दो साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, मैं एक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए हैं। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, अब मेरी बात से अगर सहमत होना तो संवेदना की तालियां चाहिए, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद किसी न किसी वजह से बहुत जल्द मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता कविता समाप्त हो रही है, तो भाइयों बहनों ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।